नहीं, नहीं, नहीं प्रभु नहीं, यह संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो रहा है हनुमान, और क्या नहीं हो सकता? सुग्रीव, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, और मैं यहां चुपचाप बैठकर यह सब कुछ नहीं देख सकता। यही बात तो मैं तुमसे उसी दिन से कह रहा हूं हनुमान, जब बाली ने मुझे अपमानित करके निकाल दिया था। नहीं सुग्रीव, नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर बात क्या है, बताते क्यों नहीं? सुग्रीव, हर बात बताई नहीं जा सकती, तुम धैर्य रखो मित्र, एक दिन तुम्हारी समस्या भी अवश्य सुलझेगी। हनुमान, तुम्हारा ये आश्वासन कभी कभी मुझे निराशा में ढकेल देता है। ये तुम कैसी विचित्र बातें कर रहे हो मित्र, क्या तुम्हें अपने मित्र के बुद्धि बल पर विश्वास नहीं रहा? विश्वास है हनुमान, विश्वास है, परंतु बाली के प्रति तुम्हारी ये निष्क्रियता मेरी समझ में नहीं आती। इतने बुद्धिमान, इतने ज्ञानी, इतने बलशाली होते हुए भी तुम अन्यायी बाली को मारने में मेरी सहायता क्यों नहीं करते? ये बात मेरी समझ से बाहर है हनुमान। सुग्रीव, मुझ जैसे मित्र को यदि तुम इस तरह कचोटते रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं भली भांति जानता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। प्रभु, प्रभु आपके साथ घटित होने वाली विचित्र घटनाओं को देखकर मेरा मन दुखी हो रहा है। प्रभु, प्रभु आपने स्वयं कहा था कि जब कभी भी आपको मेरी आवश्यकता होगी आप मेरा स्मरण करेंगे, परंतु संकट की इस घड़ी में भी आपको मेरी आवश्यकता का अनुभव नहीं हुआ। प्रभु, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की वेदना आप तक पहुंच रही होगी। प्रभु, प्रभु मुझे अपने पास बुलाइए, इस चरण सेवक को सेवा का अवसर दीजिए। प्रभु, सेवा का अवसर दीजिए। नारायण नारायण, वो अवसर अभी तक नहीं आया है हनुमान। देवर्षि आप, प्रणाम देवर्षि। बस इतनी सी बात से साहस खो रहे हो, ये तुम्हें क्या हो गया है हनुमान? देवर्षि यदि आप मेरे हृदय की वेदना को समझ पाते तो आपको पता चलता कि किस प्रकार अपने आप को रोक रहा हूं मैं। प्रभु की आज्ञा के बिना कुछ कर नहीं सकता ना, बस इसीलिए ऋष्यमुख पर्वत की इन कंदराओं में अकेला बैठा छटपटा रहा हूं मैं, अन्यथा कप का अयोध्या को उलट पुलट कर रख देता। नहीं हनुमान, नहीं नहीं, मैं भी नारायण परम भक्त हूं, और नारायण के इस राम अवतार की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मैं भी चुप हूं, और अपने भगवान के साथ होते हुए अन्याय को चुपचाप देख रहा हूं, और मन ही मन आंसू बहा रहा हूं। नारद जी, आप देवर्षि हैं और मैंने वानर कुल में जन्म लिया है, भक्त होते हुए भी मुझ में और आप में धरती और आकाश जितना अंतर है। आप मन ही मन आंसू बहाकर चुप रह सकते हैं नारद जी, परंतु मेरे संयम की सीमाएं टूटने लगी हैं, अब मैं निष्क्रिय नहीं रह सकता। मैं शीघ्र ही अपने प्रभु श्री राम की सहायता के लिए अयोध्या जा रहा हूं। नहीं हनुमान, नहीं, तुम्हें श्री राम की शपथ है। नहीं देवर्षि, नहीं, मुझे श्री राम की शपथ देकर मेरे हाथ पैर ना बांधिए। मेरे प्रभु ने वन वन भटकने के लिए जन्म नहीं लिया है देवर्षि। हनुमान, मैंने श्री राम की शपथ अपने मन से नहीं दिलाई, मैं परमपिता ब्रह्मदेव के आदेश अनुसार यहां तुम्हारे पास आया हूं। तुम नारायण के इस राम अवतार के मुख्य कार्य में बाधा न डालना। विधाता ने जिस घटनाक्रम की रचना की है
उसे केवल एक दर्शक के समान देखते रहना। यदि हृदय में वेदना आए तो उसे सह लेना, आंखों में आंसू ना रुके तो उन्हें बहने देना, परंतु इस समय अयोध्या जाकर श्री राम के मुख्य उद्देश्य को विचलित ना करना। हे श्री राम, अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए, कैसे होगा मेरी इस छटपटाहट का अंत? तुम तो रुद्र अवतार हो हनुमान। रुद्र ने तो सृष्टि को बचाने के लिए समुद्र से निकला हलाहल विष पी लिया था। क्या तुम इन विचित्र घटनाओं से उत्पन्न होने वाली कड़वाहट को चुपचाप अपने हृदय में नहीं उतार सकते? तुम में अपार शक्ति है हनुमान। अपनी शक्ति का उपयोग इस समय अपने आप को बांधने में करो और समय आने पर यही शक्ति श्री राम के शत्रुओं के विध्वंस के काम आएगी। इस समय धैर्य धारण करो हनुमान। कुछ समय के लिए अपने स्वामी से आंखें फेर लो। क्या कहा आपने, आंखें फेर लो? हाँ हनुमान, मेरी दिलाई हुई शपथ अभी तक अधूरी है। शपथ अधूरी है? और क्या बलिदान चाहते हैं देवर्षि आप, और क्या बलिदान चाहते हैं? बलिदान नहीं हनुमान, एक विनती है तुमसे। विधाता का संकेत है कि तुम अब श्री राम से तभी मिलोगे जब वे तपस्वी के वेश में अपने लघु भ्राता लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पधारेंगे। ऋषिमुख पर्वत की ओर? मेरे प्रभु श्री राम ऋषिमुख पर्वत की ओर आएंगे? कब आएंगे देवर्षि, कब? कब आएंगे ये तो मैं नहीं जानता हनुमान, परंतु शीघ्र ही आएंगे। और तब तुम्हारा वो पराक्रमी कार्य प्रारंभ होगा जिसे संसार युगों युगों तक याद रखेगा। ठीक है देवर्षि, श्री राम का वो कार्य करने के लिए मेरी भावनाएं ज्वार की तरह उमड़ रही हैं। नारायण नारायण, कुछ समय के लिए अपने इस ज्वार को दबाए रखो हनुमान। ठीक है देवर्षि, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। अब मैं अपनी पूरी शक्ति अपने इस ज्वार को दबाने में लगा दूंगा। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दो। देवर्षि, क्या आप मेरी एक सहायता करेंगे? आज्ञा दो हनुमान, भगवान के समान तुम्हारे हर कार्य के लिए मैं सदा उपस्थित हूँ। देवर्षि, मैं एक धर्म संकट में फंस गया हूँ। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट? देवर्षि, मेरा सखा सुग्रीव बाली के कारण संकट में फंस गया है, ये तो आप जानते ही हैं। मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि सुग्रीव बाली का वध तुम्हारे हाथों से करवाना चाह रहा है, परंतु तुम ऐसा कदापि ना करना। उसका वध तुम्हारे हाथों नहीं लिखा है। तो फिर किसके हाथों मारा जाएगा बाली? अब नारायण नारायण, तुम मुझसे ऐसा प्रश्न ना पूछो जिससे विधाता रुष्ट हो। तुम ये कार्य विधाता पर छोड़ दो। तुम सुग्रीव को समझाओ कि उसे किष्किंधा का राज्य अवश्य मिलेगा, तब तक वो धैर्य धारण रखे। देवर्षि, मैं भी उसे यही समझाता हूं, परंतु वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। वो तुम्हारी बात सुनेगा भी और समझेगा भी हनुमान। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दो। प्रणाम देवर्षि। तुम? हाँ सखा हनुमान, मैंने सब सुन लिया है, अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।